अगर आपको याद हो तो हमने बोला था इंडेस 36 और एएस 28 बोथ आर सिमिलर। तो हमने इंडेस 36 और एएस 28 दोनों पढ़ लिया, दैट इज ऑल इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। लेकिन हमने क्वेश्चंस कर लिए इंडेस 36 के लेकिन 28 के नहीं किए। तो आज हम लोग करेंगे एएस 28 के क्वेश्चंस। अब इसमें इलस्ट्रेशंस हैं टोटल 4, टेस्ट योर नॉलेज एट 4, सो ये टोटल हो गया 8। तो टोटल 8 क्वेश्चंस अभी करेंगे अपने। तो चलिए स्टार्ट करते सीधा। क्वेश्चन ये है, छोटा पैक कैन हैव वो बड़ा धमाका, एज अर्लियर आई सेड। सो आप सभी फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है, जिसका नाम है व्हाट, क्लियर्स एग्जाम्स। चैनल का नाम तो यही है, हाँ। और हमारा विजन है टू हेल्प एवरीवन क्लियर सी एग्जाम्स बाय प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। आई रिपीट, क्वालिटी एजुकेशन फॉर फ्री। यू कैन रिपीट विथ मी व्हाट, आई कैन एंड आई विल एंड वी विल। सीधा स्टार्ट करते हैं, ये वाला यूज करते हैं, सीधा नीचे जाते हैं क्योंकि इलस्ट्रेशंस एएस में अलग से दिया हुआ है। सो बहुत अच्छी बात है, आपको ज्यादा खोजना नहीं होगा, एक साथ दिया हुआ है। बट एक चीज आपको ये समझनी होगी कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीटेटिव है। मतलब जो आपने इंडेस 36 में पढ़ा अभी किया, उसको करने के बाद लगेगा ओ ठीक है, इजी है, मतलब इजी पीजी यू कैन से। सो विल डू इन द इजी पीजी वे, मतलब फास्ट करेंगे इसको। आर्गो इंडस्ट्री लिमिटेड गिव्स द फॉलोइंग एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। फॉलोइंग कैश फ्लो देता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का 31 दिसंबर 2001 के लिए, और डिस्काउंटिंग रेट दिया हुआ है। ओके ईयर्स ये ओके ये रेसिडुअल वैल्यू तो 2006 में ये 1000 ऐड हो जाएगा, दैट विल कम अराउंड 5000। तो 4000 6000 6000 8000 5000 ये कैश फ्लोज हो गए 2 3 4 5 6 साल तक के लिए। हमारे पास जो परचेज हुआ है 2000 में हुआ है 40,000 लाख का। यूजफुल लाइफ इसकी 8 ईयर्स है, और नेट सेलिंग प्राइस मतलब फेयर वैल्यू लेस एटीडी इसको बोलते हैं, ये हो गया 20,000। तो आपको निकालना क्या है, कैरिंग अमाउंट जो कि यहां से निकलेगा डेप्रिशिएट करके। वैल्यू इन यूज कैसे निकलती है, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके निकलेगा। रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलता है, फेयर वैल्यू लेस सीटीडी और वैल्यू इन यूज का व्हिचएवर इज हायर। इंपेयरमेंट लॉस सीए माइनस आरए, रिवाइज कैरिंग अमाउंट, इंपेयरमेंट लॉस के बाद जो अमाउंट आएगा वो रिवाइज हो जाएगा, और डेप्रिशिएशन उसके बाद जो यूजफुल लाइफ बची उसमें डेप्रिशिएट कर देंगे। वही किया हुआ इन्होंने, बिल्कुल वही किया हुआ है। सोल्यूशन ईयर मैंने बोला था 444, रेसिडुअल वैल्यू 1000 5000 हो गया। ये डिस्काउंटिंग फैक्टर 15 का डिस्काउंटिंग फैक्टर आप निकाल लीजिए, और ये कैश फ्लोज हो गए। तो ये हो गया वैल्यू इन यूज, तो वैल्यू इन यूज आपको मिल गया 19,025। कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, कैरिंग अमाउंट ओरिजिनल इतना, डेप्रिशिएशन मतलब कि 8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, रेसिडुअल वैल्यू 1000, तो 39,000 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3 कम्स टू 414,625। तो इट विल कैरिंग अमाउंट अपना हो जाएगा 25,375। ओके वैल्यू इन यूज 19,025 है, नेट सेलिंग प्राइस मतलब विच बेज है 20,000। सो 20,000 है आरए और सी इतना है, तो ये रिड्यूस होगा 5375 से। सो रिकवरेबल अमाउंट इतना होगा, इम्पेयरमेंट लॉस 5375 डन। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितना होगा, 25 में से 5 माइनस होगा, बेसिकली आरए विल बी और रिवाइज कैरिंग अमाउंट। डेप्रिशिएशन कितना चार्ज होगा इस साल, हमारे पास 20,000 का एसेट हो गया, और रेसिडुअल वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं वही है, और यूजफुल लाइफ यही एज्यूम कर रहे हैं कि 8 साल से ही कंटिन्यू है, तो अभी 5 साल बचा होगा, तो इतना 3,800 पर ईयर चार्ज होगा। सिंपल द क्वेश्चन। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, ये एस्टिमेटेड कैश फ्लोज है और डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया हुआ है, तो इसमें आई गेस कुछ करने की जरूरत नहीं। एक्स लिमिटेड इज हैविंग अ प्लांट, कैरिंग अमाउंट इतना है, ठीक है, यूजफुल लाइफ इतनी है, एंड होगी रेसिडुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 लाख रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ 5 ईयर 100 मतलब एसएलएम से डेप्रिशिएट करके कैरिंग अमाउंट। कैश फ्लोज दिए हुए हैं ये और रेसिडुअल वैल्यू का 5 लाख भी आप जोड़ लीजिएगा इसमें, जो 5 साल के एंड पे मिलेगा, तो 25 हो जाएगा। कैलकुलेट वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज निकालनी है, डिस्काउंट रेट दिया हुआ, कैलकुलेट रिकवरेबल अमाउंट, इफ नेट सेलिंग प्राइस इज, तो रिकवरेबल अमाउंट निकालना है और वैल्यू इन यूज निकालना है, डन। तो 25 मतलब ये कैश फ्लोज हो गए, ठीक है, ये 5 तो इधर ही ऐड कर दो 25, तो ये आपका वैल्यू इन यूज आ गया, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है ओके, मतलब ये पीवी आ गया, वैल्यू इन यूज आ गया। नेट सेलिंग प्राइस अपना कितना, इतना और ये इतना, मतलब फेयर वैल्यू लेस सीटीडी 60 लाख है और अपना वैल्यू इन यूज 1:1 9.0, तो विच एवर इज हायर विल बी योर रिकवरेबल अमाउंट, तो ये रिकवरेबल अमाउंट निकल गया, एकदम इजी। मैंने बोला था ना, सेम जो हमने पहले किया वैसे ही। जी लिमिटेड ने अक्वायर किया एक मशीन 1 अप्रैल 2000 को फॉर 7 करोड़, दैट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स। द मशीन मतलब 7 करोड़ का एक एसेट है, उसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 7 ईयर, मतलब डेप्रिशिएट हो सकता है। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड ऑन एसएलएम बेसिस एंड डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। मशीन डेप्रिशिएट होगा एसएलएम बेसिस पे और डज नॉट कैरी एनी रेसिडुअल वैल्यू। ऑन 1 अप्रैल 2004 द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रीअसेस्ड एट ₹5.10 और उसकी जो वैल्यू है वो रीएक्सेस की गई इतना पे, एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रेडिटेड टू द रिवैल्यूएशन। कहानी ये है, ये 2000 का है, उसके 3 साल बाद, ठीक है, ये डेप्रिशिएट हो गया होगा, 7 साल यूजफुल लाइफ है उसकी 1 अप्रैल 2004 को, मतलब बेसिकली 4 साल बाद, ठीक है। तो 6 और फिर इसकी जो वैल्यू हुई रीएक्सेस हुई, मतलब रिवैल्यूएशन हुआ और रिवैल्यूएशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया गया। फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2006 कंडीशन इंडिकेटेड एन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीनरी एग्जिस्टेड ऑन द, अब भाई मार्च 2006 की बात है, उसमें इम्पेयरमेंट की झलक दिखी और उसका रिकवरेबल अमाउंट असर्टेन किया 79 लाख। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस। कहानी देखो बहुत ही सिंपल सी है यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। 7 करोड़ का एसेट है, 1 अप्रैल 2004 की बात है, मतलब 4 साल बाद इन्होंने वैल्यू एक्सेस की तो 5.10 आ रहा है, मतलब ये 7 साल से अगर डेप्रिशिएट करो 7 ईयर पे तो ये 4, मतलब 4 करोड़ डेप्रिशिएट हो जाएगा, 3 करोड़ बचेगा, 3 करोड़ से 5.1 सीधा चला गया, मतलब 2.10 का रिवैल्यूएशन रिजर्व में क्रेडिट हो गया, मतलब एसेट रिवैल्यूड हो गया। फिर फॉर द ईयर, मतलब 2006 की बात है, एक इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन हो सकती है, वैसा इंडिकेशन मिला, एंड द अमाउंट रिकवरेबल, जो अमाउंट वहां से रिकवरेबल अमाउंट आर ए जो है वो 79 दिखा रहा है, तो हमें इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करना है। तो 7 में से 4 गया, मतलब ये डेप्रिशिएशन, कैरिंग अमाउंट, अपवर्ड रिवैल्यूएशन 2 पॉइंट, तो ये इतना हो गया, ये तो ऊपर दिया ही था, तो इसको लिखने की क्या जरूरत थी, सीधा भी लिख सकते थे। अब इसमें 5.1 में से डेप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, कैसे चार्ज करेंगे डेप्रिशिएशन 2 साल के लिए, क्योंकि यहाँ पे मार्च 2006 का डेटा हमें दिया हुआ है, तो 2006 तक डेप्रिशिएट करेंगे टिल 2000, देखिए यहाँ पे ईयर भी लिख के दे दिया है। सो 5.1 डिवाइडेड बाई 3 क्योंकि 7 ईयर था जिसमें 4 साल खत्म हो गए थे, 3 साल बाकी है, इंटू 2 तो 3.40 और कैरिंग अमाउंट आया इतना, कैरिंग अमाउंट 1.70 और रिकवरेबल ऑन 0.79, सो डेप्रिशिएट इम्पेयर तो होगा ही होगा, जो डिफरेंस है वो तो इम्पेयरमेंट लॉस। ओके, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा वो यहाँ पे पता है, ये क्या बताया हुआ है कि हमें इम्पेयरमेंट लॉस कितना सेट ऑफ करना है पीएनएल के साथ, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पे क्या किया गया है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, 2 ट्रीटमेंट था कि अगर आपने एसेट को रीवैल्यू किया तो उस रीवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ करना पड़ेगा और जो बचेगा वो पीएनएल में चला जाएगा। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमने कितना डाला था 2.10, लेकिन अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व में 2.10 क्या था, तो ये एसेट के साथ डेप्रिशिएट भी तो हुआ होगा, सो ये 2 साल के लिए डेप्रिशिएट भी हुआ होगा, सो इसका डेप्रिशिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा इसका डेप्रिशिएशन। सो ये 2004-2005 में डेप्रिशिएट हुआ होगा, तो 1.70 माइनस 1 इंटू 2, दो साल का डेप्रिशिएशन चार्ज हुआ। इसमें कैसे डेप्रिशिएशन निकला, 2.10 रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो डिवाइडेड बाई कितना करेंगे इसको 3 into 2, तो ये आ जाएगा 0.7 into 2. अब ये कैलकुलेशन क्या दिया वो उस पर ध्यान मत दीजिए, सिंपल सा कैलकुलेशन है 2.10 डिवाइडेड बाई 3 मतलब यूजफुल लाइफ इतना था और 2 ये हो गया 1.40. जब 1.40 डेप्रिशिएट हो गया तो बचा 0.70. तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस इतना था, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमने सेट ऑफ कर दिया इतना और जो ये रहा वो पीएल में चार्ज कर दिया. क्लियर. अब ये हमने क्यों निकाला रिवैल्यूएशन रिजर्व का, डेप्रिशिएशन क्यों किया, ये क्वेश्चन हो सकता है. देखिए जब हमने रिवैल्यूएशन रिजर्व को अपवर्ड किया तो हमारा एसेट क्या हो गया, रिवैल्यूड होके 5.10 हो गया, 3 से 5.10 हो गया. अब ये तो डेप्रिशिएट भी हुआ होगा ना, अब इसमें रिवैल्यूएशन रिजर्व का फिगर भी जुड़ा हुआ है. तो 2 साल बाद 2006 में क्या फिगर रहेगा, उस डेट पे हम लोग रिवैल्यूएशन रिजर्व और पीएल का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, तो उसलिए हमने डेप्रिशिएट करके आज की वैल्यू निकाली कि आज रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है और उसके बाद जो बचेगा वो हमने पीएल में चार्ज कर दिया. डन. ये भी ट्रीटमेंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस का क्वेश्चन है. एक्स लिमिटेड परचेज प्रॉपर्टी खरीदते हूँ 150 लाख में, डेप्रिशिएट करते हैं 10% पर एनम ऑन SLM बेसिस. क्या मतलब परसेंटेज में दिया फिर एट द एंड ऑफ द मतलब हर साल 10%. ओके. एट द एंड ऑफ द 4th ईयर इट हैज रिवैल्यूड मतलब 4 साल बाद मतलब 40% डेप्रिशिएट होने के बाद इट हैज रिवैल्यूड द एसेट 75 का रिवैल्यू किया 75 लाख एंड हैज रिटर्न ऑफ द रिवैल्यूएशन टू द, ठीक है. However, on the date of the revaluation, the market price is 67.50 lakhs and expected disposal cost is 3 lakh. तो market price मतलब fair value less CTD कितना हो गया 64.50. What will be the treatment in respect of the impairment loss on the basis that the fair value up for the revaluation purpose is determined by the market and value in use. आपको देखिए RE निकालने का डेटा यहाँ पे दे दिया गया है. RE के लिए क्या चाहिए डेटा, RE निकालने के लिए आपको वैल्यू इन यूज चाहिए और फेयर वैल्यू लेस सीटीडी चाहिए. तो वैल्यू इन यूज यहाँ पे दिया 60 लाख और ये 67.50 माइनस 3 64.50 तो आपका आर ए हो गया विच एवर इज हायर 64.50. ठीक है. एज पर पारा लिखने की जरूरत नहीं, एज पर AS 28 ये भी लिखने की जरूरत नहीं, आप कोई भी AS लिख सकते हो, Indus 36 भी लिख सकते हो. द रिकवरेबल अमाउंट हाइयर ऑफ द नेट मतलब ये तो हमने निकाल ही दिया, कहानी वो बदले, ये जो हमने निकाला 64.5 lakhs. देयरफॉर द रिकवरेबल अमाउंट इज ओके, ये कहानी बस ये 2 लाइन की थी. इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एज 10.50 कैरिंग अमाउंट लेस 64.50. अब ये कैसे आया, हमारा कैरिंग अमाउंट दिया हुआ है 75 लाख पे रिवैल्यू की हमने, तो 75 लाख की कैरिंग अमाउंट है माइनस 64.50 तो 10.50 का इम्पेयरमेंट लॉस आ गया. थस इम्पेयरमेंट लॉस 10.5 लाख शुड बी रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली सिंस देयर वाज डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट व्हिच वाज ऑलरेडी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल. ठीक है. अब क्या हुआ, ट्रीटमेंट में हमने बोला था रिवैल्यूएशन रिजर्व और पीएल में जाएगा, तो पहले ये देखना पड़ेगा कि हमने रिवैल्यू किया था तो क्या कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व था या फिर हमने पहले भी एक्सपेंस किया, तो उसको चेक करने के पहले आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व देखना पड़ेगा है या नहीं. तो ये रहा वर्किंग नोट जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिवैल्यूड और रिवैल्यूएशन रिजर्व कब रहता है जब हम अपवर्ड रिवैल्यू करते हैं, लेकिन ये केस है डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन का, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व का यहाँ पे सवाल ही नहीं होगा, पीएल में चार्ज हो गया. यहाँ पे 150 का था, हमने 40% डेप्रिशिएट कर दिया था मतलब ये रहा 60 और 90 आई उसकी करंट वैल्यू, लेकिन हमने जब रीवैल्यू किया तो 75 दिखा रहा, तो 90 हमारे बुक्स में है और ये 70 तो 15 रुपया तो ऑलरेडी पीएल में चार्ज हो गया, तो कोई रीवैल्यूएशन रिजर्व नहीं था, तो जो इम्पेयरमेंट लॉस इस बार बुक होगा वो डायरेक्टली पीएल में चार्ज हो जाएगा. दैट्स इट. 10.50 और 15 तो दोनों ही पीएल में चार्ज हो जाएंगे. सो ये रहा इलस्ट्रेशन आपका. फिर अब बात करते हैं अपने टेस्ट और नॉलेज की. वेनस लिमिटेड हैज अ प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी बैलेंस शीट पे कितनी वैल्यू इतनी है, वैल्यू इन यूज इतनी और 375, ठीक है, वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस. तो ये क्या हो गया विच एवर इज हायर 400 ये है 500 100 का आ गया इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट होगी। जर्नल एंट्री मारना और बैलेंस शीट में तो जाएगा नहीं, पीएल में चार्ज होगा। ये क्वेश्चन पहले भी आई मीन इंडस 36 में भी दिया हुआ। ये हो गया 100 का इम्पेयरमेंट लॉस, अकाउंट डेबिट टू एसेट और पीएल टू इम्पेयरमेंट लॉस। बैलेंस शीट में हाँ ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में 500 माइनस 100 करके दिखा देंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, गुड्स ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड अक्वायर करता है सेचेट फिलिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल 2001 फॉर ₹60 लाख। नाइस, अच्छी बात। The machine was expected to have productive life of 6 years. At the end of the 2001 and 2002, the carrying amount was ₹41 lakh. A short circuit occurred on the financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was still in the working condition. ये भी question repeated. The machine was expected to fetch ₹36 lakhs if sold in the market. मतलब ये recoverable amount आपको बता रहा है। The machine by itself is not capable of generating cash flow. मतलब ये खुद का CGU नहीं है, पूरी यूनिट जब काम करेगी तब इनफ्लोज जनरेट करेगा। However, the small group of the asset comprising of the machine also is capable of generating cash flow of ₹54 lakh per annum and has carrying amount of 3.46 crores. All such machine put together could face 4.4 crore if disposed. Discuss the applicability of the impairment loss. Impairment loss की applicability आपको बतानी। चलिए देखते हैं। Applicable हो गया नहीं। As per provision, impairment loss is not to be recognized for given asset if the cash generating unit is not impaired. Impairment loss is not to be recognized for the given asset if the cash generating unit is not given. मतलब CGU की यूनिट नहीं दी गई तो हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इम्पेयरमेंट लॉस। इन द गिवन क्वेश्चन द रिलेटेड कैश जनरेटिंग यूनिट विच is group of asset to which the damaged machine belong is not impaired and the recoverable amount is more than the carrying amount of the group assets, hence there is no need to provide impairment loss. तो भाई साहब जो इसका रिकवरेबल अमाउंट है इज ग्रेटर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द ग्रुप एसेट, तो उस केस में कैरिंग अमाउंट की केस में देखिए यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट बहुत ज्यादा है। जनरेटिंग कैश फ्लो 54 करोड़ पर एनम जबकि कैरिंग अमाउंट 3.6, जब रिकवरेबल अमाउंट ही ज्यादा है तो अपने को तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो इम्पेयरमेंट करने की जरूरत नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट इम्पेयरमेंट लॉस, ट्रीटमेंट और करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ये 5610 ये तो इजी क्वेश्चन है, सेम रिपीट हुआ है। कॉस्ट है 56 लाख, यूजफुल लाइफ 10 ईयर्स, सैलवेज वैल्यू निल, ये है आपका कैरिंग अमाउंट, रिकवरेबल अमाउंट सीए और आरए, बैलेंसिंग फिगर विल बी माइनस करेंगे तो इम्पेयरमेंट लॉस हो जाएगा। अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, ये ट्रीटमेंट में काम आएगा कि 14 से रिवैल्यूएशन रिजर्व हट जाएगा। 15.13 इसका आंसर भी मुझे पता है अभी, मतलब जो हम लोग सॉल्व किए थे अगर आपको याद हो। इसको इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा, 27/12 आई बिलीव 15.30। अब इसमें से 14 रिवैल्यूएशन रिजर्व से राइट ऑफ हो जाएगा और सेट ऑफ हो जाएगा और पीएल में चला जाएगा 1.3। तो ये हो गया ट्रीटमेंट और ये हो गया इम्पेयरमेंट लॉस। अब पूछ रहे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन क्या होगा, तो कैरिंग रिकवरेबल अमाउंट कितना है 12, दिस विल बी योर कैरिंग अमाउंट। अब इस पे अपने को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, अभी कितनी बची हुई है वो देख के फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। आई बिलीव ये हमने जो क्वेश्चन किया था वो 3 ईयर्स बची हुई थी और तो 4 के हिसाब से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। इसमें टाइम दिया हुआ है क्या कुछ, आई डोंट थिंक सो। उसमें डेट भी दिया हुआ था प्रीवियस क्वेश्चन में, मतलब जो इंडेस का क्वेश्चन था जो हमने किया वैसे ही ये भी है क्वेश्चन। देखो इन द गिवन केस द कैरिंग अमाउंट एसेट विल बी रिड्यूस्ड after this amount will be depreciated over remaining useful life of 3 years, 4 लाख हमने तो पहले ही कर दिया। लेकिन ये 3 ईयर्स ये लोग कहाँ से लिख दिए वो क्वेश्चन है ना। इंडेस 36 में क्वेश्चन में ईयर भी दिया होगा, इसमें तो ईयर कहीं नहीं दिया। कौन सा एग्जाम्पशन ले लिए भाई, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। तो वही है रिकवरेबल तीनों हो गया। इम्पेयरमेंट लॉस 15.30। ट्रीटमेंट क्या होगा, रिवैल्यूशन रिजर्व में 14 चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ अपवर्ड रिवैल्यूशन है, और पीएल में 1.3 चला जाएगा। 15.30 माइनस 14 मतलब जो बचता है पीएल में चार्ज करते हैं, और उसका फर्दर डेप्रिसिएशन ये क्वेश्चन में ऑलरेडी एज्यूम कर लिया है कि 10 साल में से 7 साल बीत गया, 3 साल बचे तो 12/3 तो 4 पर ईयर डेप्रिशिएट होगा। Now question last, an asset does not meet the requirement of environment laws which have been recently enacted. कोई दिक्कत नहीं है, the asset has to be destroyed as per law. The asset is carried in the book 6 lakh. Estimated cost of destroying is 70,000. How is the asset to be accounted for? 6 लाख की asset है आपकी। आज पता चला कि गवर्नमेंट ने एक रूल लगाया कि आपका इंजन पुराना हो गया, अब इसको बंद कर दीजिए, और उसको बंद करने के लिए आपको 70,000 खर्च करने पड़ेगी। तो आप इसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे? नेट सेलिंग प्राइस और वैल्यू इन यूज दो कॉमन दिया हुआ है। इम्पेयरमेंट लॉस इज अमाउंट बाई विच द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट एक्सीड्स द रिकवरेबल अमाउंट, वेयर द रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ द सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। तो इसमें दिया हुआ नेट सेलिंग प्राइस क्या है, नेट सेलिंग प्राइस मतलब 70 का लॉस हो रहा है, वैल्यू इन यूज कोई वैल्यू ही नहीं है मतलब नील वैल्यू है। तो इन द गिवन केस द रिकवरेबल अमाउंट विल बी नील, बिल्कुल नील, विच ओवर इज हायर। माइनस 70,000 हायर है या नील, आपको जीरो हायर होगा माइनस के फिगर से, तो ये रिकवरेबल अमाउंट आपका आ गया नील। ओके, द इम्पेयरमेंट लॉस विल बी कैलकुलेटेड एट 6 लाख। पूरी तरीके से भाई इसकी तो लग गई। क्या होता है इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला CA माइनस RA, तो CA 6 लाख माइनस RA 0। देयरफॉर द एसेट इज टू बी फुल्ली इम्पेयर्ड, बिल्कुल, और रिकॉग्नाइज होगा एज एन एक्सपेंस। डाउट क्लियर है? ओह, ये एज भी क्लियर है। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का आते हैं दिल से शुक्रिया। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक शेयर कमेंट, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। चलिए शुक्रिया।